हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के वजीर माहौलियात स्टीवन गैल्बो का दौरा चीन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कनाडा कशीदगी के बावजूद माहौलियात पर चीन के तआवुन का ख्वाहां है। कनाडा में बैनुल अक्वामी तलबा की आसमान छूती तादाद बाईस तशवीश है। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि कनाडा इस साल तकरीबन 9 लाख बैनुल अक्वामी तलबा को खुश आमदीद कहेगा। मुख्तलिफ शोबों समेत रिहाइश का शोबा मुतासर हो रहा है। कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में लगी आग का हाल बेकाबू। ब्रिटिश कोलंबिया में इनखला करने वालों की घरों को वापसी का इम्कान। ट्रूडो के शुमाल मगरबी इलाकों के लिए इमदाद के वादे। ट्रंप की जेल में ली गई तस्वीर वायरल। मार्केट में टी शर्ट्स कैप्स और कप आ गए। अमरीकी सदर बाइडन ने भी ट्रंप को हैंडसम कह दिया। यूक्रेन के ड्रोन्स हमलों के बायस रूस के 2 एयरपोर्ट्स पर परवाजें मअतल। एक हफ्ते में दूसरी बार ड्रोन्स हमलों के बायस अपने अहम एयरपोर्ट्स बंद करने पड़े। ताहम ड्रोन्स हमलों में कोई जानी और माली नुकसान न हुआ। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर माहौलियात स्टीवन गैल्बो हफ्ते के रोज़ बीजिंग रवाना हुए, जहां वो मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने और हयातियाती तनों के तहफ्फुज़ पर बातचीत में शिरकत करेंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर माहौलियात स्टीवन गैल्बो हफ्ते के रोज़ बीजिंग रवाना हुए, जहां वो मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने और हयातियाती तनों के तहफ्फुज़ पर बातचीत में शिरकत करेंगे, जो 4 सालों में चीन जाने वाले पहले कनाडा के वजीर हैं। एक माह कबल अमरीकी मौसमियाती एलची जॉन कैरी ने इसी तरह की बातचीत के लिए चीन का दौरा किया था। फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर G7 ममालिक ने भी COVID-19 पर सफरी पाबंदियां हटाए जाने के बाद से मौसमियाती नुमाइंदे भेजे हैं। गैल्बो का कहना था कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुतादित मसाइल के बारे में खुली और साफ बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा और चीन दोनों ही बड़े पैमाने पर अखराज करने वाले हैं और शायद ऐसे तरीके हैं जिनसे हम तआवुन कर सकते हैं। गैल्बो, जो कि ग्रीन पीस समेत माहौलियाती ग्रुपों के साबिक वकील हैं, 28 से 30 अगस्त तक चाइना काउंसिल फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। स्टीवन गैल्बो ने कहा कि 2 अहम मसाइल जो वो लाना चाहते हैं वो हैं मीथेन के अखराज में कमी और एक आलमी काबिल तजदीद तवानाई का हदफ, जिस पर इस साल के आखिर में अक्वामे मुतहदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से पहले बात की जा रही है। गैल्बो ने कहा कि वो अक्वामे मुतहदा की नेचर समिट की भी पैरवी करना चाहते हैं, जिसकी मेज़बानी कनाडा ने की थी और जिसकी सदारत चीन ने गुज़िश्ता साल के आखिर में की थी, जिसके नतीजे में माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी मुहैदा हुआ, जो इस दुनिया की मईशत को सहारा देता है। कनाडा कशीदगी के बावजूद आबोहवा पर चीन के तआवुन का ख्वाहां है। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि बैनुल अक़वामी तलबा की बढ़ती हुई तादाद रिहाइश के शोबे के लिए तशवीश का बाइस है। हालांकि उनका कहना है कि इस चैलेंज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना ज़रूरी नहीं है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर का कहना है कि कनाडा में दाखिल होने वाले बैनुल अक़वामी तलबा की आसमान छूती तादाद के बारे में तशवीश सिर्फ रिहाइश के बारे में नहीं है, बल्कि खुद
इमिग्रेशन सिस्टम की सालमियत पर कैनेडियंस का एतमाद है। मार्क मिलर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कैनेडा इस साल तकरीबन 900,000 बैनुल अक्वामी तुलबा को खुश आमदीद कहने के रास्ते पर है। ये कैनेडा की तारीख के किसी भी मोड़ से जायद है और एक दहाई कबल मुल्क में दाखिल होने वाले तुलबा की तादाद से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। बैनुल अक्वामी तुलबा की इस तेजी से बढ़ती हुई तादाद ने इस हफ्ते इस वक्त तवज्जो हासिल की जब मुल्क के नए हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने कनाडा में दाखिल होने वाले तुलबा की तादाद पर मुमकिना हद का ख्याल पेश किया। मिलर का कहना था कि तुलबा की बढ़ती हुई तादाद रिहाइश के लिए तश्वीश का बाइस है, हालांकि उनका कहना है कि इस चैलेंज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना ज़रूरी नहीं है। ये कनाडा में एक माहौलियाती निज़ाम है जो बहुत मुनाफा बख्श है और ये कुछ टेढ़े असरात के साथ आया है। सिस्टम में कुछ धोखादही, कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं जिसे कनाडा में बैकडोर एंट्री के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कई शोबों में दबाव भी जिनमें से रिहाइश एक है। लेकिन मिलर कनाडा में दाखिल होने वाले तुलबा की तादाद पर सख्त पाबंदी के ख्याल से गुरेज किया। उन्होंने कहा सिर्फ हार्ड कैप लगाना, जिसने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा आवामी खेल हासिल किया, इसका वाहिद हल नहीं है। कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू है, जिसमें आज तक 1,37,000 मुरबा किलोमीटर से जायद का रकबा जल चुका है, जो 10 साल औसत से 6 गुना जायद है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू है, जिसमें आज तक 1,37,000 मुरबा किलोमीटर से ज्यादा का रकबा जल चुका है, जो 10 साल औसत से 6 गुना ज्यादा है। इनखिला के अहकाम के तहत 10,000 अफराद को अपने इलाकों से इनखिला करना पड़ा है। घर और कारोबार तबाह हो चुके हैं और इस सीजन में 4 वाइल्ड लैंड फायर फाइटर्स काम पर मारे गए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के शोस्वाप इलाके के रिहायशी सिर्फ एक हफ्ता कबल एक तबाहकुन जंगल की आग की वजह से अपने घरों से बेघर हुए, जल्द ही अपनी जायदादों पर पहुंच सकेंगे। कोलंबिया शोस्वाप रीजनल डिस्ट्रिक्ट के एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के डायरेक्टर डेरिक सदरलैंड का कहना है कि अमला आज से रिहायशियों तक पहुँचना शुरू कर देगा। उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि बुश क्रैक ईस्ट वाइल्ड फायर से तबाह होने वाली इमलाक की तखमीना तादाद 131 में कोई तब्दीली नहीं आई, मजीद 37 को नुकसान पहुंचा। सदरलैंड का कहना है कि इलाकाई जिला सालमन आर्म में बेघर रिहायशियों की मदद के लिए अभी और मुस्तकबिल में भी एक लचकदार मरकज खोलने का मंसूबा बना रहा है। शुमाल मगरबी इलाकों की प्रीमियर कैरोलिन कॉचरान ने हफ्ते के रोज एडमिंटन में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ अपनी मुलाकात के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो जंगल की आग और इनखिला की रोशनी में, जिसने NWT के 2/3 को मजबूर कर दिया है, इस इलाके को मिलने वाली वफाकी हिमायत खास तौर पर फौजी इमदाद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ट्रूडो ने कई वादे किए जिनमें NWT के लिए एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के अमल को तेज करना शामिल था, रिहायशियों और नफ्त बहाव में मदद के लिए डिजास्टर माली इमदाद के इंतजाम के तहत पेशगी फराहम करना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेल में ली गई तस्वीर वायरल, टी शर्ट्स कैप्स और कप मार्केट में आ गए और ट्रंप के हामी मग शॉट से सजी अशिया खरीदने लगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेल में ली गई तस्वीर वाली टी शर्ट्स कैप्स और कप मार्केट में आ गए और ट्रंप के हामी मग शॉट से सजी अशिया खरीदने लगे। अमरीकी सदर बाइडन ने भी ट्रंप को हैंडसम कह दिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, ट्रंप की तस्वीर टीवी पर देखी, वो हैंडसम और आला शख्स हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेल में ली गई तस्वीर मकबूल हो गई। मार्केट में ट्रंप की तस्वीर वाली टी शर्ट्स कैप्स और कप आ गए और ट्रंप के हामी मेक शॉट से सजी अशिया खरीदने लगे। याद रहे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इलेक्शन में जॉर्जिया में मदाखलत केस में गिरफ्तारी पेश की थी, जिसके बाद उन्हें $2,00,000 के जमानती मचल के जमा कराने के बाद रिहा कर दिया गया था। मुकदमे में गिरफ्तारी देने के लिए साबिक अमरीकी सदर जुमेरात की शाम अटलांटा की फिल्टन काउंटी जेल पहुंचे। फिल्टन जेल में सदर ट्रंप की कैदियों के लिबास में तस्वीर मेक शॉट बनाई गई, जिन्हें जारी किया गया और ऐसा अमरीकी तारीख में पहली बार हुआ। इसके अलावा उनकी उंगलियों के निशानात भी लिए गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर परवाजें मुअत्तल कर दी गई। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इन ड्रोन हमलों के बाइस 2 एयरपोर्ट्स पर परवाजें मुअत्तल करना पड़ी, ताहम ड्रोन हमलों में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में दूसरी बार
यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले के बाद हवाई अड्डों पर परवाजों को मुअत्तल करना पड़ा है। इस बार भी यूक्रेन का निशाना रूसी दारुल हुकूमत मास्को के दो अहम एयरपोर्ट थे। रूस ने दावा किया है कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम ने मास्को के करीब आने वाले यूक्रेन के एक ड्रोन और सरहद से मुतसिल ब्रांसिक इलाके में दो दीगर ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया। दूसरी जानब रूस ने यूक्रेन के वस्ती इलाके पर रात गए मिजाइल दागे जिसमें दो अफराद हलाक हो गए, लेकिन ये वाजे नहीं कि पहले रूस ने मिजाइल हमला किया या यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए थे। ख्याल रहे कि यूक्रेन को डेनमार्क और हॉलैंड ने F-16 तैयारे फराहम करने की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद यूक्रेन के हौसलों में इजाफा हुआ है और उसने रूस पर एक हफ्ते में दो बार ड्रोन हमले किए हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.